check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक द स्टोरी विद द बॉय ऑन द टॉपिक. Okay, hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show, जिसका नाम है माय टॉपिक द स्टोरी. And guys, thank you so much पुराने एपिसोड सुनने के लिए और you know फीडबैक देने के लिए जो कभी कभार देते हो कभी कभार नहीं देते हो. सो गाइज ये मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद एज वेल एज पीछे की तरह इस बार भी वही सेम है, आपको थोड़ा सा जागरूक करना एज वेल एज आपको यू नो थोड़ा मोटिवेट रखना और जो वहाँ पे लेजी बोन्स हैं थोड़े से खड़े होके अपना काम शुरू कर दे, इसलिए भी करता हूँ. तो एक ये भी मेरा मकसद है. ओके सो गाइज शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ. हम जो भी आज बात करेंगे, हम जो भी डिस्कस करेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी मेंटल हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और कुछ भी अगर आपको फील होता है, जो भी आपको यू नो ऐसा ऐसा लगता है कि आई डोंट फील लाइक मतलब क्या है क्या नहीं, अगर ऐसा कुछ भी फील होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. ये हमारा जो डिस्कशन होगा इट गोइंग टू बी जनरल, हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, बट यस वी आर गोइंग टू यू नो गिव यू सम आइडियाज अबाउट यस कि आप मेंटल हेल्थ क्या है. तो यस शुरू करता हूँ. तो गाइज आज मैंने एक और अपनी फ्रेंड, अपनी मेंटोर दीदी और अपनी यू नो योगिनी क्या क्या बोलूँ, इनको बहुत सारे नाम है इनके, आप उनको जानते ही हैं. तो पॉडकास्टर और भी कुछ है नहीं, और भी और बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें करती हैं. तो यस तो ये इनके साथ हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ. आज मैं इनको स्पेशली बुलाया है टाइम लेके कि यस आओ आप अपने वैल्यूबल फीडबैक दो, अपने यू नो अपनी लाइफ के बारे में फीडबैक दो और सब कुछ जो आपने अभी तक सीखा है मेंटल हेल्थ के बारे में इन योर बुक्स, आप इतना पढ़ती हैं इन चीजों के बारे में, तो हमको आज आके ज्ञान दो ताकि हमें थोड़ी इसकी प्राप्ति हो, है ना. तो गाइस प्लीज वेलकम आकांक्षा थापलियाल. हेलो. हाय पुलकित, आई एम वेरी हैप्पी टॉपिकलेस टपरी में आके, टॉपिकलेस नहीं टॉपिक के साथ बात करने में मजा आएगा एक्चुअली. हाँ एक्चुअली तो जैसा कि आपने बताया मेंटल हेल्थ पे बात करनी है, सो आई आल्सो हैव अ पॉडकास्ट मनोमंजन जो मेंटल हेल्थ के बारे में प्योरली बात करता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पुलकित वांटेड मी टू स्पीक इन यू नो विथ यू गाइज अबाउट मेंटल हेल्थ. एंड इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ टॉपिकलेस टपरी में इस टॉपिक को लान के आपके साथ कुछ बातें करने के लिए, राइट. Absolutely. So, yes. So, आकांक्षा you know, शुरू कर रहा हूँ मैं अपना पहला क्वेश्चन आपके पास आपके ऊपर थ्रो कर रहा हूँ. तो पहली बात, कैसी हो एंड यू नो आप अपनी मेंटल हेल्थ से पीछे जो छह महीने पहले शायद आपसे पॉडकास्ट किया था जब मैं 50 एपिसोड स्टार्टिंग कर रहा था अपनी, यू नो हाउ वाज यू देन एंड हाउ आर यू नाउ, एंड आप कुछ 1 degree बेटर हुई. यस यस डेफिनेटली 6 months से लेके अभी तक काफी चीजें चेंजेस हुई हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीथिंग चेंज्ड फॉर गुड. Things are changing and अगर नहीं भी हैं तो मैं ये नहीं बोल सकती, if you, somebody ask you ना कि how are you, तो ये एक बड़ा question होता है कि यार असली सच बोलूं या उसको चुप कराने के लिए कुछ बता दूं कि हाँ यार अच्छा है, I am doing good. So the most common reply is I am doing good, but I am doing okay. I am not, I will not say I am doing my best, but I am doing okay. I am doing better than yesterday, so that is a good answer. Because yesterday was not that of a great day, but aaj I am looking forward. I have a good feeling that it's going to be a great day ahead. So us feeling ko main hamesha apne dimag mein rakhti hu ki chahe kitna bhi problem ho life mein, kitni bhi problems aaye, wo jo mindset hota hai na ki yaar main theek kar sakti hu koi bhi situation, wo aapke andar hona chahiye. Agar hai bhi nahi to you should find out. You know, to see the light in around you, you need to open your eyes. You cannot close your eyes and see it. So I think that is very important and which I always keep in mind, chahe kuch bhi ho. So aisa nahi hai ki a lot of people say ki yaar are aap to manovanjan karti ho, aap sad kyu ho, aap podcast karte ho, aapka podcast mental health pe hai. So it's not like ki doctors kabhi bimar nahi padte, right? Yeah. I was a yoga teacher and people used to tell me, अरे तुम्हें ये problem कैसे, तुम तो yoga करती हो. And then I'm like, यार ऐसा नहीं होता है, हर किसी इंसान का एक अलग mechanism होता है. Sometimes कोई भगवान थोड़ी है.
Exactly. We are human beings after all. We cannot be like perfect. So this is very important to keep in mind. And yes. So I think Akanksha काफी इकी का है. आपने बुक पढ़ी होगी. Akanksha ने भी पढ़ी है. मैंने भी थोड़ा बहुत उसके बाद काफी सुना है. That Japanese people follow that living life. वो कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं. I think इकी का ही आप काफी inspired हैं Akanksha, because मैंने आपका काफी पढ़ा है. And yes. How you are like dealing with such tough life, ikigai ke saath, aur usko apply karke kaise? So ikigai ek bahut hi amazing principle hai. Ikigai principle Japanese principle hai. So a lot of you, I don't know if know that Japan mein bahut zyada centennials hain. Centennials bole to people who are above 100 years. So what is that thing which makes them live longer? What is that factor which make them live life more and enjoy life? You know, aisi kya cheez hai jo unko 100 saal se upar rakhti hai? No, they are not taking any extra multivitamins doing some surgeries or something of that sorts. They are just living life, and this is a lifestyle change. So for example, ek bahut acha cook hai, theek hai? Uska usko he enjoys cooking. This person enjoys cooking. He's a chef. He thinks that he can be a chef. Now he realizes that he can be a chef and he can devise a society ke liye kuch karna. Society ke liye wo kya kar sakta hai? Wo ye kar sakta hai ki yaar main jitna bhi apna khana banaunga, wo minimum paison mein maximum nutrition dega logo ko. So that is how he is contributing to the society. And of course, when he has come up with such kind of meals, he is also getting paid for it, because it is an innovation. So these are three things. So uska ikigai hai wo cooking, wo speciality cooking karna. For example, if I am doing podcast and mujhe usme maza aa raha hai, main logo ki help kar rahi hu mental health ke bare mein baat karke, and I'm also getting paid for it, then that becomes my ikigai. And I would love to do it, because ab koi reason nahi bacha ki main kyun na karu, kyunki I'm doing so well in like money bhi mil raha hai aur logo ki help bhi ho rahi hai, aur main कुछ ऐसी चीज कर रही हूँ जिसको सुबह उठ के ना, जो बोलते हैं ना कि आप सुबह उठ के यू लुक फॉरवर्ड टू इट, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी भले, एंड यू आर अर्निंग मनी फॉर इट आल्सो. देखा जाए इकिगाई, देख हमारे यहाँ पे इतने वो बनते हैं, मीम्स बनते हैं, वी हेट मंडेज, वी हेट वर्क, वी हेट दिस, वी हेट दैट. मतलब यहाँ पे लगता है लोगों को मजबूरी है काम करना, दे डोंट वांट टू वर्क. ओके, सो इट्स लाइक उनके मेंटल प्रेशर है, है ना? हाँ. But you, they don't want to, actually, I don't know कि क्या reasons हैं उनकी, क्या circumstances हैं life में जो वो hate करते हैं काम करना. हमारे यहाँ पे वो culture नहीं है, है ना? So basically, Pulkit, ये जो hatred about Mondays or hatred of office और वो जो ये जो memes बनते हैं ना, this is coming from a very very strong insight of every human being on earth. It is like यार, जब भी हमें कोई command करता है, जब भी हमें हम पे कोई leash लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो हमारे parents हो, चाहे वो हमारा boss हो, चाहे वो deadlines हो, चाहे वो clients हो, we don't like to be that, because human nature is supposed to be independent. They don't want to get tied up in things, you know. But we have created a main, like a frame of society jo hoti hai, jisme, you know, we have a family, we have certain roles to play. So work is also a role to play, like, and work is not only the role to play, it is a necessity of life to earn money. So necessity ke liye insaan wo bhi kaam karta hai jo usko acha nahi lagta. Achha nahi. Like a person, like I was just I came from my mom's house, and she was telling me ki yaar, matlab I saw her, you know, working, hustling, like itna kaam karti rehti hai pure time, apne ghar ke kaamon mein rehti hai, office ka kaam bhi karti hai, and I realized she's not doing anything for herself. And I told her, why don't you do something, like, you know, you were good at art and something, to kuch karo. Then she said ki haan, mera man karta hai painting karu. So what I did was, I ordered paintbrush and paints and art book for her, and I told her, now I am giving you this, now do this. At least जो mental pressure जो होता है ना, जो आपको लगता है यार आप अपनी life में सिर्फ ना एक चक्र में बंधे हुए हो, सुबह उठो, office जाओ, घर का काम करो, फिर आओ, फिर आओ, घर का काम करो, फिर सो, वो जो एक चक्र होता है ना जिसमें आप loop होता है, जो आप उसी में घूमते रहते हो, उसी में घूमते हो. So you need to do things which will not stick you into that loop. You need to get out of that loop by doing, feeding your soul with something which will make you
लाइक हेल्प यू इन कीपिंग ऑन इन योर लाइफ, यू नो, वो लूप ना लगे आपको, ना लगे. वो लगे कि अच्छा ये लूप तो चलेगा बट एक अलग रास्ता है जिसमें सीधे सीधे करके मैं अपने सोल को हैप्पी करने के लिए पेंटिंग कर रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक. सो वो जो कहते हैं ना सेल्फ लव वाला, सेल्फ लव वाला जो एक चीज है वो रोज करनी चाहिए. एक ऐसी चीज रोज करो टू फीड योर सोल, नॉट फीड योर टमी. सो फीडिंग टमी is different than feeding your soul. So two different okay, things. Okay, Akanksha, right? Let's move to second question. And because हम यहाँ पे एक ही गाय को मैंने मिला दिए, जो मेरा purpose नहीं था मिलाना, but मुझे लगा शायद मैंने कहीं ना कहीं इस topic के बारे पढ़ा हुआ, तो एक ही गाय is something that you know that really help us to you know develop our mind, our soul, everything. Okay, so Akanksha, how do you find yourself like you know? मैं एक बंदा mental issues से face कर रहा है. For example, anxiety, eating disorder. मूड स्विंग्स, ये सारे डिप्रेशन, ये सारे डिप्रेशन तक ये सारी चीजें लीड करती है इंसान को. तो यार आपको सजेस्ट करो मेरी ऑडियंस को कि यार ये चीजें तो रहेंगी, हमारा स्ट्रेस तो रहेगा, हाउ टू यू नो ट्राई टू बी अवे फ्रॉम सच थिंग, मतलब या उसको कैसे हम कॉन्कर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं लोगों को कि ऐसा करो, बट वो फॉलो हो सकता है नहीं, वो कैसे, you know, please suggest something. Adult में. So, थोड़ा सा मेरे लिए complicated है ये वाली बात, because somehow I also face anxiety in my life. I have lots of anxiety. And मैं try कर रही हूँ. I'm also a work in progress in that phase, to be very honest. I do have a mental health podcast. I do talk about mental health. But yes, I will like literally accept that I have anxiety issues. And कभी कभार ना एंजाइटी होने से चीजें जब चेंज होती है ना लाइफ में, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं एंड यू गेट दैट एंजाइटी एंड इट हैपेंस विद मी अ लॉट. व्हेनेवर आई हैव लाइक बिग थिंग्स कमिंग अप, आई जस्ट कीप ऑन यू नो थिंकिंग अबाउट इट एंड रात को सोना मुश्किल हो जाता है, हार्ट में पैल्पिटेशंस होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गया. आई रियलाइज कि इट इज बिकॉज कहीं ना कहीं भले ही वी आर you know, we are telling the world that we are strong, we are surviving, you know, hum log sab sahi hain, but kahin na kahin andar kuch na kuch effect to hua hai. Duk-duki lagi rehti hai. To choti-choti cheeze jo hoti hai na life mein as an adult, because you have to keep on changing yourself, because change is inevitable and it is a part of your life. Yeah. You cannot stay away from it. And if you stay away from it, you become rigid. Ki nahi yaar, pehle wala zamana achha hota tha. The people who talk about past, they will never be able to go to the future. Because they will be so rigid to change. They will be like always cribbing about what good is happening in their life. Because they will always have solace in their past. Unko lagega past was, you know, wo past se aage nahi badh paate. To wo ek cheez hai jo mujhe lagta hai ki, because we are changing, and we are taking you know so many consuming so much of stuff from everywhere, to kahin na kahin anxiety ko kabhi kabhi accept kar lena chahiye, like what you have, like problems hain, unless anxiety is actually not making you live a normal life. Agar anxiety se aap kaam nahi kar pa rahe ho, aapko chakkar aa rahe hain, aapko literally kuch health mein big issues ho rahe hain, then you should definitely go to a mental health consultant, a therapist or a, you know, counselor and talk about this. Because ek podcast se kuch zyada change nahi hoga. Nahi hota. It's just ek baat chhedi hai aur aapko samajhna hai. Kabhi kabhi kya hota hai na ki hum log ek perfectionist model ke saath rehte hain. Matlab dimag mein lagta hai yaar hum, especially Indian mentality ye hai ki yaar har koi perfect hai yaar. Matlab parents want a perfect child. Child wants perfect parents and they want perfect everything, perfect boss, perfect husband, perfect girlfriend, whatever, you know. So everybody is into that perfection wala loop and aisa perfect bola jata hai na ki perfect is nothing is perfect in life. So we cannot accept if something goes wrong. We are always looking for perfection, which itself is an anxiety model which we have been following. वो आदर्शवादी और मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो टाइटल है ना, जो हमें हमारे ऊपर थोप दिया गया है, तो वो चीज है जो एज एन एडल्ट एक इंसान को बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में डाल सकता है. बिकॉज ही विल बी लाइक मैं तो इतना परफेक्ट नहीं. तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को ये रियलाइज करना होता है कि वी आर, इट्स ओके टू बी अ लिटिल बैड, इट्स ओके टू बी लिटिल
have anger issues, a little anxiety is okay, little stress is okay. So I don't know if you know that there are two kinds of stress. There is one you stress, which is good stress, and one is distress, which is bad stress. So good stress is important. मतलब आपको एग्जाम की पढ़ाई के लिए जो हल्का सा स्ट्रेस होता है कभी कभार वो गुड स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप किताब खोलते हो और पढ़ने लगते हो. बिल्कुल. बट अगर वो स्ट्रेस आपको एग्जाम लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, ब्लैंक पढ़ जा रहे हो, देन दैट इज डिस्ट्रेस. इट इज समथिंग विच इज डीप डाउन एंड इट इज नॉट मेकिंग यू लिव अ नॉर्मल लाइफ. सो लिटिल स्ट्रेस इज ओके, बिकॉज लिटिल स्ट्रेस क्या होता है ना, जब गर्म पानी हाथ पे लगता है तो अगर स्ट्रेस नहीं हो इंसान को कि है गर्म पानी गिरा है तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा. आप क्या करोगे, गर्म पानी जैसे होता है आप हाथ हटाओगे. सो देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, आपको स्ट्रेस में डालता है कि भाई स्ट्रेस हो गया गर्म पानी है, हाथ हटाओ. तो आप हाथ हटाते हो और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, ओके अब तुमने हाथ हटा दिया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. तो जो नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में भी दो अलग मैकेनिज्म है जो हमें स्ट्रेस से निकालते हैं और एक स्ट्रेस में डालता है. तो दोनों का एक रोल है, दोनों सेपरेट हैं. उसी तरीके से हमें ये समझना है कि हम अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं. तो डिप्रेशन वॉज इवन वेन श्री राम वॉज देयर. ठीक है डिप्रेशन उनकी माँ को हो गया था जब उन्होंने भेज दिया था उनको वनवास. ठीक है, बट ऑफकोर्स रामायण में डिप्रेशन के बारे में नहीं बोला कि उनकी माँ को डिप्रेशन हो गया था. ठीक है, या उनके फादर को डिप्रेशन हो गया था. उनके फादर को डिप्रेशन हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप He was in depression. देखा जाए जब उनको, बट देयर इज अ वर्ड डिप्रेशन. द मेंटल हेल्थ फैक्टर वॉज नॉट टॉक्ड अबाउट इन दैट. इमेजिन द मेंटल हेल्थ ऑफ the god, the prince, the raja who has always lived in a big castle, और वो महारानी सीता जो इतने बड़े कासल में रहते थे हमेशा से, उनको वनवास जाना, उनकी mental health. So mental health was always there, like that problem of depression, the problem of anxiety, और ये सारी जो चीजें हम बात करते हैं, I am sure हर जगह होती है. Anxiety ही हुई थी कि पुरानी हमारे जितने भी हम लोग कहानियां पढ़ते हैं उसमें कोई गलत step उठा लेता है, और हर कहानी में आप देखें कोई गलत स्टेप होता है तो उसके बाद से कुछ गड़बड़ हो जाते हैं. एग्जैक्टली. तो क्लाइमैक्स आता है, यार ये आता है, अच्छा ये होगा, चेंज होता है स्टोरी में, कहानी में चेंज आता है. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंटर लाइक हैड बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इज जस्ट दैट कि नाउ पीपल हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ इट. कि मुझे अजीब सा हो रहा है, मेरा मन ना अजीब सा हो रहा है. हम बचपन में सुनते थे ना कि हमें नहीं पता एग्जाम से पहले मेरा मन इतना अजीब सा होता है, मुझे ना मम्मी मुझे ना मेरा ना पेट भी साफ नहीं हो रहा, मुझे गैस भी हो रहा है, मुझे पेट हो रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक एंड ऑल दीज आर साइंस ऑफ एंजाइटी, दीज आर ऑल साइंस ऑफ स्ट्रेस. एंड हम लोगों को तब बोला जाता था अरे कुछ नहीं होता, एग्जाम की टेंशन हो रही है तुझे. टेंशन वर्ड बोलते थे, डिप्रेशन नहीं बोलते थे, कि टेंशन बहुत देती है यार ये. उल्टियाँ मेरे को एक बार हुआ था, मेरे को उल्टियाँ आ रही थी, मेरा पेट दर्द था, मेरे को पता नहीं क्या क्या हो रहा था. जैसे मैं एग्जाम देकर आ गया, ठीक है ठीक डन, मुझे कुछ भी नहीं है. सो दैट वॉज डिस्ट्रेस. क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इतना मेजर चेंज आ रहा है कि आपकी फिजिकल फंक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं, देन दैट इज समथिंग विच इज अलार्मिंग एंड इट विल हैपन, इट बिकम्स अ हैबिट. फिर वो क्या होता है ना, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है कि थोड़ी देर के बाद आप ठीक हो गए, बट अगर वो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है, अब हल्का सा भी कोई एग्जाम आता है तो आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं. मुझे आज तक थोड़ा एग्जाम का स्ट्रेस है, मुझे आज भी एग्जाम के हॉन्टिंग सपने आते हैं. बट इट्स आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव द सेम काइंड ऑफ फियर्स इन देयर लाइफ. एंड फियर होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना वॉज ऑलवेज देयर. इट्स जस्ट दैट नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ इट, दे आर टॉकिंग अबाउट इट फ्रीली, पीपल आर टेकिंग इट सीरियसली नाउ. अदरवाइज पहले मेरी ग्रैंडमदर को भी डिप्रेशन था एंड अभी भी है. ऑफ कोर्स इट्स अन ऑनगोइंग थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट, स्पेशली एट दैट एज, यू नो, एट एन ओल्ड एज. उस पे भी मैं बात करूंगा, ओल्ड एज पे भी मैं आऊंगा. क्वेश्चन है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. Until unless you actually find a resort in something really different. So as like, अच्छा अब next question पे बात बता दो कि क्या old age के बारे में बात करें, अब जब बात ही कर रहे हैं. We are going to discuss on kids.